अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पतंजलि संस्था से जुड़े हुए योग दिवस उमाशंकर यादव से योग दिवस पर चर्चा हुई। ओएएफ से रिटायर्ड उमाशंकर यादव कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित थे। उमाशंकर यादव से खास बात की है हमारे संवाददाता अवनीश शुक्ला ने, देखिए रिपोर्ट। जैसा कि हम सब बात जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम जानते हैं कि इसकी मान्यता आज विश्व पटल पर जो है उसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी योग गुरु बाबा रामदेव जी को जाता है। आज उन्हीं के अथक प्रयासों से 21 जून को विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी श्रेय में हम देखते हैं आज योग से हमारे शरीर के जो आंतरिक व स्वास्थ्य व मानसिक रूप से हमको स्वस्थता प्रदान करता है, इसलिए योग से हमको निरंतर योग करते रहे। आज के इस काल में हम जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी जैसी महामारी का भयावह प्रकोप है, पूरे विश्व में इसका प्रकोप है और इसको देखते हुए हम देख समझ सकते हैं कि इसमें जो आयुष मंत्रालय द्वारा डॉक्टरों द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें योग का प्रावधान दिया गया है। उसमें बताया डॉक्टरों द्वारा यह बताया गया कि हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में कम से कम आधे घंटे का योग को अवश्य करना है, जिससे कि हमारे अंदर का जो रक्षा प्रणाली तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो मजबूत होता है और बाहर के कीटाणुओं से और अन्य बीमारियों से हमारे शरीर को लड़ने की ताकत प्रदान करता है और इन्हीं सबसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ताकि योग का किस प्रकार हमारे जीवन में महत्व है और इसका हम विशेष ध्यान रखें कि जितना हो सके अपने व्यस्ततम दिनचर्या में हम योग का अनुसरण करें, पालन करें और कम से कम आधे घंटे का समय निकालें, अपने लिए निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और हमारा निश्चित रहेगा। यही संदेश के साथ आप सब लोग जो है स्वस्थ रहें, सैनिटाइजेशन करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। उन्नाव से कैमरा